बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका उस्ताद शेफ, वेलकम टू द शो। आज मैं किस्मती से फिर हमारे शहर लाहौर लहू लुहान हो गए। जी हाँ, आज फिर लोगों के चीखने उड़ गए, लोगों की लाशें, किसी का सर, किसी का पैर, किसी का जिस्म, हर चीज के खून में नहाया हुआ और खाक में लिपटे हुए, खून में नहलाए हुए, इस तरह से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमारे लाहौर शहर में, लाहौर में ब्लास्ट हुआ। मसला ये जनाब कि लाहौर में ब्लास्ट तो हो गया, लेकिन ये ब्लास्ट करने वाले आखिर कौन हैं और इन ब्लास्ट करने वालों का आखिर कब सदेबाब होगा, कब इन कम बेगैरत लोगों को, इन कातिलों को जो है वो हम कैफर किरदार तक वंस एंड फॉर ऑल पहुंचाएंगे। अपोजिशन को कहो तो अपोजिशन कहती है जनाब ये नवाज शरीफ साहब ने पनामा लीज पर अटैचर हटवाने के लिए करवाया है, और ना हुकूमत को कहो तो हुकूमत कहती थी टेररिज्म जो है वो अपोजिशन के फंडिंग के थ्रू आता है और इमरान खान जो है फंडिंग लेता रहा है। भाई बात यह है कि असल में आम आदमी, आवाम मर रही है, खुदा रसूल का वास्ता है आपको, आवाम मर रही है, आवाम का जनाजा मत निकालें। आज चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे जनाब, उन्होंने शुक्र है खुदा का मौखर कर दी वो, हालांकि उनका तनाजा सबको पता है, सबको मालूम है कि चौधरी निसार साहब की अपनी एक स्टैंडर्ड है, एक उनका एक अपना एक मानना है, एक अपना उनका भरम है, एक उनका अपना वतीरा है कि जनाब आएंगे वो आगे धनाधन 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 बातें करेंगे। दो घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो मिनट की काम की बात होगी, बाकी सारे इधर उधर इल्जाम की बौछाड़ होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका जो ख्वाजा आसिफ साहब से या फॉर दैट मैटर एस एन इकबाल साहब से तनाजा है, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द स्टेट। The state needs to take the responsibility. It needs to take the responsibility कि भाई रियासत आज यहाँ पर रियासत है पाकिस्तान के अंदर, एक शख्स का भी खून बहेगा तो रोज़े हशर भी और आज भी मियां नवाज शरीफ और जनाब उस सूबे के वजीर आला जो भी हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे सिंध के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे के पी के हों, उनका दामन भी उस खून से दागदार है, उनके दामन पे भी खून के छींटे हैं। सवाल ये है कि कौम कब जागेगी और हमारे पास आखिर इसका सदेबाब क्या है। कोई किसी चैनल पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई किसी चैनल पे इल्ज़ाम लगाता है, बात ये नहीं है जनाब। बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान में रहना है, हमें इस टेररिज्म से मिलकर मुकाबला करना है। सुबह अफगानिस्तान में ब्लास्ट हुआ, शाम को यहाँ लाहौर में हो गया, कल खुदा ना खास्ता कहीं और हो जाए, अल्लाह ना करे कि रायवंड के पैलेस के अंदर ब्लास्ट हो जाए तो कोई क्या करेगा? क्या नवाज शरीफ साहब के लिए काबिल कबूल होगा? क्या खुदा ना खास्ता यहाँ बिलावल हाउस के इर्द गिर्द कहीं ब्लास्ट हो जाए तो वो काबिल कबूल होगा सरदारी साहब के लिए और लोगों के लिए जो उनके अपना बनी गाला के पास फॉर डैट मैटर, अगर कोई मक्खी मारता हुई पकड़ा जाए तो फॉर डैट मैटर उसको बेचारे को क्या करेंगे आप, उस बेचारे को भी सजा दी जाएगी। लेकिन आवाम मरती है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता, सिर्फ एक स्टूपिड सा कंडोलेंस मैसेज आ जाता है कि भाई हमें बहुत अफसोस हुआ, हम दहशत गर्दी से निपटेंगे। भाई कयामत के दिन निपटोगे? अल्लाह के बंदो खुदा का वास्ता होश पकड़ो, वरना अपने अपने घरों को लौट जाओ, क्योंकि कयामत के दिन यकीन रखो कि अल्लाह सुभान व तआला हिसाब लेगा और एक एक कतरे का हिसाब लेगा और उसका हक है कि वो हिसाब ले। अपना रखने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहा।